बारान छबड़ा छिपाबरौद विधानसभा क्षेत्र में मुख्यालय से मात्र कुछ ही दूरी पर लगभग 1 किलोमीटर पश्चिमी दिशा की ओर बाहरी गांव के पास निकल रही रेतीली नदी से गुजरने वाले मार्ग पर पुरानी पुलिया बनी हुई है। यही से छबड़ा छिपाबरौद के लिए संपर्क सड़क मार्ग भी जाता है, जिससे होकर प्रतिदिन सैकड़ों हल्के मध्यम और कभी कभी भारी वाहनों का गुजरना भी होता रहता है। क्षेत्र में विगत दिनों अधिक बरसात होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और रास्ते की पुलियाओं के ऊपर भी गहरे गड्ढे बन गए। छबड़ा से छिपाबरौद की ओर जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क के गड्ढे तो विभाग द्वारा ठेकेदार द्वारा भर दिए गए, परंतु बाहरी नदी की पुलिया के गड्ढे छिपाबरौद साइड की तरफ नहीं भरे गए। इन दिनों सर्दियों का मौसम है। ब्लॉक में आए दिन मौसम खराब हो रहा है। प्रातःकाल घना कोहरा और धुंध छाई हुई रहती है। दोनों ओर से वाहन जब पुलिया पर क्रॉस करते हैं तो गड्ढों में वाहन चालक के न चाहते हुए भी वाहन गड्ढे में उतारना पड़ता है। मंगलवार की सुबह घने कोहरे और धुंध के कारण अचानक आई पिकअप और ट्रैक्टर के आने के कारण एक बाइक सवार गड्ढे में गिरते गिरते बचा। बाहरी ग्रामवासियों ने बताया कि बरसात के बाद पुलिया पर मरम्मत के नाम पर कुछ कंकड़ और फैक्ट्री की राख मिला डाली गई, उसके बाद किसी ने आज तक सुध नहीं ली। पुलिया के निर्माण के समय से ही इस पर सुरक्षा दीवार या रेलिंग भी नहीं लगाई गई है। रुकावट नहीं होने से इस पुलिया से कई जानवर गिर चुके और मोटरसाइकिल चालकों की विगत वर्षों मृत्यु तक हो चुकी है, फिर भी इस पर काम नहीं हुआ। अब शायद सड़क निर्माण विभाग को किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार है और तभी राजस्थान का विभाग भी उचित मुआवजा देकर साथ में घटना के बिल बाउचर बनाकर ही चेतेगा। बारान छबड़ा छिपाबरौद से कुलदीप सिंह सिरोहिया की रिपोर्ट।